आपने पिछले दिनों सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ मीडिया तक इन तस्वीरों को ज़रूर देखा होगा। इन तस्वीरों में शहीद कैप्टन अंशुमन की पत्नी स्मृति और उनकी सास मंजू सिंह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों कीर्ति चक्र रिसीव करते हुए दिख रही हैं। लेकिन इस सम्मान समारोह के तुरंत बाद कैप्टन अंशुमन के माता पिता ने ये कहना शुरू कर दिया कि उनकी बहू बेटे का कीर्ति चक्र ले गई, मुआवजे में मिला सारा पैसा भी ले गई और बेटे की सारी यादों को समेट कर वो अपने मायके चली गई है। कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब तो मायके वालों की मौज है और जिन्होंने अपना बेटा खो दिया वो बेचारे अब क्या करें। अब बहू अपने सास ससुर को पूछ भी नहीं रही, हमने भी तो अपना बेटा खोया है लेकिन बहू अपनी जिंदगी में मस्त है, ऐसे तमाम आरोप लगने लगे। सरकार को मुआवजा देने के नियम बदल देने चाहिए, सारा पैसा सिर्फ बहू को क्यों मिले, शहीद के माँ बाप को भी मिलना चाहिए, ये बातें भी होने लगी। माता पिता ने तो ये भी कहा कि हम तो अपने बहू की शादी अपने छोटे बेटे से भी करने को तैयार थे लेकिन उसने हमारी एक ना सुनी और वो सब कुछ समेटकर अपने मायके चली गई, अब हम भला क्या करेंगे। शहीद कैप्टन अंशुमन के माँ बाप ने जैसे ही अपनी बहू स्मृति पर ये आरोप लगाए वैसे ही सोशल मीडिया पर स्मृति का चरित्र हनन होने लगा। कोई उसे पैसों की भूखी कहने लगा तो कोई उसे गालियां देने लगा, किसी ने स्मृति को अय्याश बता दिया तो किसी ने उससे मुआवजे की सारी रकम लेकर अंशुमन के माँ बाप को देने के लिए वकालत कर दी। स्मृति को कुलटा कुलक्षणी मनोश और ना जाने क्या क्या कहा जाने लगा। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों लोग एक शहीद की विधवा को ही खलनायक का साबित करने में लगे हुए हैं। इन सवालों को आप इनका जवाब जानें इससे पहले आपको थोड़ा कुछ समझना होगा, एक मानसिकता को समझने की कोशिश करनी होगी। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह उनकी पत्नी स्मृति और अंशुमन के माँ बाप के रिश्ते के बहाने भारतीय लोगों के मन की पड़ताल करनी होगी। आपको ये समझना होगा कि कैसे भारतीय समाज एक महिला को लेकर अपनी पुरुषवादी और मनुवादी सोच के नज़रिए से ही अपनी राय बनाता है। ज़्यादातर भारतीयों का मन एक आदिम जमाने का पिछड़ा सामंती मन है, खासकर महिला के निर्णय और आज़ादी के संदर्भ में। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति, उनकी मां मंजू सिंह और उनके पिता के कदमों और उस पर होने वाली प्रतिक्रियाएं यही साबित करती हैं कि जो भारतीय मन है दरअसल वो अभी भी आदिम समाज का मन है। आप पहले कुछ तथ्यों को समझ लीजिए और फिर हम आपको सभी तथ्यों और आरोपों के जवाब भी देंगे, आपको बताएंगे क्या वाकई में अंशुमन के माँ बाप को कुछ नहीं मिला, उस पर भी हम बात करेंगे। 19 जुलाई को अंशुमन सिंह सियाचिन में शहीद हुए थे, मरणोपरांत शांति काल का वीरता चक्र यानी कीर्ति सम्मान उन्हें राष्ट्रपति भवन में प्राप्त हुआ। ये पुरस्कार उनकी पत्नी और मां ने ग्रहण किया। अंशुमन के पिता रवि प्रताप भी सेना से रिटायर्ड हैं, ये बात आपको याद रखनी होगी। अब तक की सूचना के मुताबिक अंशुमन सिंह और स्मृति का प्रेम विवाह हुआ था, उन दोनों ने लव मैरिज की थी। अंशुमन की मौत के करीब 5 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी। दोनों करीब 8 साल से रिलेशनशिप में थे, कॉलेज के ज़माने से मिले थे और 5 महीने पहले ही उन्होंने शादी की थी। स्मृति पर पहला आरोप ये है कि वो अंशुमन की 13वीं के बाद ही अपने मायके चली गई और अपने सास ससुर के घर पे नहीं रही। दूसरा आरोप ये है कि वो मेडल यानी कीर्ति चक्र को भी साथ ले गई। तीसरा आरोप ये है कि अंशुमन से जुड़ी अपनी यादें यानी एल्बम कपड़े और अन्य चीज़ें भी वो साथ लेकर गई हैं। चौथा आरोप ये है कि वो अपने हिस्से का पैसा और चेक भी लेकर चली गई। पांचवा आरोप ये है कि उसने अपना स्थायी पता बदल लिया है, अपने मायके यानी गुरदासपुर को अपना स्थायी पता बना लिया है। छठा आरोप ये है कि अंशुमन के पिता ने ये कहा कि अपनी बेटी बनाकर वो उसको रखना चाहते थे, आजीवन अपने घर में रखना चाहते थे लेकिन उसने इनकार कर दिया। सातवां आरोप ये है कि उन्होंने अंशुमन के छोटे भाई को यानी स्मृति के देवर से शादी करने का प्रस्ताव रखा था लेकिन स्मृति ने इनकार कर दिया। इन आरोपों के बाद मीडिया और विशेषकर सोशल मीडिया स्मृति को कुलक्षणी बहू साबित करने पर तुल गया है, क्योंकि भारतीय समाज स्मृति से एक खास तरह के व्यवहार की उम्मीद कर रहा है। भारतीय आदमी को सबसे अधिक खुशी तब होती जब स्मृति ये कहती कि मैं अंशुमन की मौत के बाद जिंदा ही नहीं रहना चाहती, मैं भी मौत को गले लगाना चाहती हूँ। कुछ सती टाइप करती यानी वो करे या ना करे, लेकिन ऐसा अगर वो बयान देती कि मैं सती होना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ, तो भारतीय मन शायद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता। स्मृति आजीवन अंशुमन के विधवा के रूप में अगर उनकी स्मृतियों कीर्ति चक्र पैसा और पेंशन के सहारे जीने की घोषणा करती और जीती तब भी जो भारतीय मन है वो बहुत खुश हो जाता और इससे आगे बढ़कर वो ये कहती कि मैं तो सिर्फ अंशुमन की यादों में ही जीऊँगी, विधवा बनकर रहूँगी। अगर वो ये कहती कि मैं आजीवन अंशुमन के माता पिता को अपना माता पिता मानकर उन्हीं के घर में रहूंगी, आजीवन उनकी सेवा करूंगी, तो भी भारतीय लोग बहुत खुश हो जाते। अगर स्मृति ये कहती
रहती कि वह अंशुमन के पिता की बात मानकर अंशुमन के भाई से यानी अपने देवर से शादी कर लेती। मतलब अंशुमन के पिता उससे जैसा कहते, जिस रूप में एक नया पति सौंप रहे थे उसे अपना पति मान लेती और जिंदगी भर उसका साथ निभाती। अगर स्मृति ऐसा करती तो समाज उसे एक महान महिला घोषित कर देता और कहता कि देखो स्मृति कितनी अच्छी बहू है। बेचारी जवानी में ही विधवा हो गई लेकिन अपनी पूरी जिंदगी अपने पति की यादों में गुजार रही है, अपने सास ससुर की सेवा कर रही है। अगर आप पुरुषवादी, मनुवादी और सामंती सोच के व्यक्ति हैं तो आप भी स्मृति से यही उम्मीद कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप स्त्री की स्वतंत्रता में यकीन रखते हैं, महिलाओं को बराबर समझते हैं और महिलाओं के आज़ाद निर्णय लेने में यकीन रखते हैं तो आपको स्मृति कहीं से भी गलत नहीं लगेंगी। ये अच्छी बात है कि स्मृति ऐसा नहीं सोच रही कि अंशुमन की मौत के बाद जिंदगी खत्म हो गई है और वो ये नहीं कह रही कि अब आगे जीने का क्या फायदा है। ये भी अच्छी बात है कि स्मृति ने आजीवन अंशुमन की विधवा बने रहने का निर्णय नहीं लिया है। हालांकि आगे वो क्या करेंगी इस बारे में उन्होंने अभी तक नहीं बताया। समाज तो यही चाहता है कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो वो जीना ही छोड़ दे, अच्छे कपड़े ना पहने, अच्छा खाना ना खाए और बस सन्यासियों की तरह जिंदगी काट दे। लेकिन स्मृति ने ऐसा नहीं किया, उसने अंशुमन के पिता रवि प्रताप के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और यह अच्छी बात है कि वो अंशुमन के भाई से शादी नहीं कर रही है, उसने अंशुमन से शादी का निर्णय लिया था, खुद फैसला लिया था। दोनों ने 8 साल के प्रेम के बाद एक दूसरे को जीवन साथी बनने का फैसला किया था। ऐसे में रवि प्रताप सिंह कौन होते हैं कि उसकी शादी जिससे चाहें उससे करा दें। अगर उसने मना कर दिया तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। स्मृति ने अंशुमन से शादी की थी, उसके परिवार से शादी नहीं की थी। भारतीय संविधान कहता है कि शादी लड़के और लड़की के बीच में होती है, परिवारों के बीच में नहीं होती है, इसलिए उस पर ज़बरदस्ती का दबाव बनाना सही नहीं है। ये बातें तो वो हैं जो सामने आई हैं। अंशुमन और स्मृति ने प्रेम विवाह किया था, अंशुमन के माता पिता ने इसको कैसे लिया था, क्या वो उनकी लव मैरिज से खुश थे या लव मैरिज के खिलाफ थे और स्मृति के साथ कैसा व्यवहार करते थे, ये किसको पता है? ये तो सिर्फ स्मृति जानती है या फिर अंशुमन का परिवार जानता है। शादी के बाद के 5 महीनों में मंजू सिंह और रवि प्रताप सिंह का व्यवहार स्मृति के प्रति कैसा था, ये किसको पता है? वरना कोई क्यों ऐसे 13वीं के बाद घर से चला जाता? अगर अच्छा व्यवहार होता तो कोई उनके पास में रुकने की सोचता, अचानक से ऐसा फैसला क्यों ले लेता? ये सवाल भी उठ खड़ा होता है। हो सकता है कि अंशुमन के मौत के बाद स्मृति उस तरह से पछाड़ मारकर ना रोई हो जैसा आमतौर पर भारतीय मन देखता है कि महिलाएं बेसुध हो जाती हैं, बहुत बुरी तरह से रोती हैं पति की मौत के बाद में, और हो सकता है कि वो अपना दर्द छिपा कर रख रही हों और उस तरह से वो जाहिर ना कर रही हों। लेकिन जिस महिला ने 8 साल के रिश्ते के बाद एक व्यक्ति को अपना पति माना, वो शहीद हो गया, तो उसके मन पर क्या बीत रही होगी, ये बात भी ध्यान में रखने वाली है। जहाँ तक शहीद अंशुमन सिंह को मिले पैसे का सवाल है, उसके बंटवारे का तरीका तय है, जिसे सेना में एनओके कहते हैं। जहाँ तक जानकारी है, ये सैनिक की सहमति और रजामंदी से तैयार किया जाता है और जो सैनिक अपना नॉमिनी जिसको बनाता है उसी को उस तरह से पैसा और पेंशन मिलता है, सबको अपना अपना हिस्सा मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि आर्मी की ओर से पेरेंट्स को भी 50 लाख रुपए और पत्नी यानी स्मृति को भी 50 लाख रुपए दिए जा चुके हैं, यानी बराबर पैसा बटा है। 50 लाख परिवार को मिला, 50 उसकी पत्नी को मिला। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद की पेंशन उनकी पत्नी स्मृति को ही मिलेगी क्योंकि अंशुमन ने उन्हें अपना नॉमिनी बनाया था। अब जब जिस व्यक्ति को नॉमिनी बनाया है उसी को पेंशन मिलेंगी और 50 लाख रुपए परिवार को मिल चुके हैं। इसके अलावा यूपी सरकार ने भी परिवार को 50 लाख रुपए दिए थे, इसमें से 15 लाख रुपए माता पिता को और 35 लाख रुपए पत्नी स्मृति को दिए गए थे। इसके बावजूद शहीद के पेरेंट्स ने कहा था कि वित्तीय सहायता के नियमों में बदलाव होना चाहिए, यानी जो मुआवजे की राशि है वो किसको मिले, निकटतम जो रिश्तेदार कौन है उसकी परिभाषा बदलनी चाहिए। इस पर उन्होंने टिप्पणी की थी और ये भी कहा था कि ये बदलाव जो है होना चाहिए ताकि पैसा उन पेरेंट्स को भी मिल सके। अंशुमन के पिता, आपको हम बताएं कि आर्मी से रिटायर्ड GCO हैं, उन्हें पेंशन और आर्मी की अन्य सुविधाएँ मिलती हैं। अंशुमन के परिवार को यानी कि जो उसके पिता हैं उसको ऑलरेडी आर्मी की पेंशन मिलती है और तमाम जो पेरेंट्स को जो सुविधाएं हैं आर्मी की वो मिलती हैं। अंशुमन के परिवार की आर्थिक हालत ठीक है और ऐसा नहीं है कि परिवार बहुत गरीबी में जी रहा है। साथ ही अंशुमन का भाई भी है, यानी माँ बाप एकदम बेसहारा नहीं है जिस तरह से वो मीडिया के सामने पेश होकर बता रहे हैं। करीब जो माँ बाप हैं, अगर आप पैसे के हिसाब से देखेंगे, सिर्फ पैसों के नज़रिए से भी देखें, तो अंशुमन के माँ बाप को 65 लाख रुपये मिल चुके हैं।
छोटी रकम नहीं है, 65 लाख रुपए की मदद परिवार को मिल चुकी है, माँ बाप को मिल चुकी है और अंशुमन के पिता जो हैं वो सेना से रिटायर हैं इसलिए उन्हें पेंशन भी मिलती है, लेकिन फिर भी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि पैसा देने के नियम बदले जाने चाहिए। तो क्या मामला सिर्फ पैसों को लेकर ही तो नहीं है? इस सवाल का जवाब आपको खुद तलाशना चाहिए। जहाँ तक स्मृति की बात है तो क्या स्मृति को पैसों की ज़रूरत नहीं है? उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। भारतीय समाज में एक महिला के लिए जीना कितना मुश्किल है क्या हम सब ये नहीं जानते? ये अच्छी बात है कि वो आजीवन अंशुमन की विधवा के रूप में विलाप करते हुए नहीं जीना चाहती है, बल्कि अंशुमन की खूबसूरत यादों के साथ अपने ढंग से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है। वो आगे शादी करेगी या नहीं करेगी ये उसका फैसला है, उसने इस बारे में अभी तक किसी को नहीं कहा, लेकिन तमाम तरीके के आरोप उस पर लग रहे हैं, जबकि इस कदम का स्वागत होना चाहिए कि एक महिला वो विधवा बनकर अपनी जवानी में जिसको इस तरह का कहें कि उसके साथ व्यवहार हुआ है, उसके पति चले गए हैं, वो वैसा ही नहीं जीना चाहती लेकिन अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती है। इस कदम का स्वागत होना चाहिए था, लेकिन भारतीय मन चाहता है कि महिलाएं अपने स्वतंत्र निर्णय ना लें, उनके फैसले उनके परिवार वाले करें। यही आप देखिए कि जो तमाम जो इस तरह की मान्यताएं हैं, मनुस्मृति है या इस तरह की जो किताबें हैं वो यही कहती हैं कि एक महिला पर जब वो बच्ची हो तो उसका पिता का उस पर कंट्रोल हो, जब वो बड़ी हो जाए तो उसके पति का कंट्रोल हो, वो बूढ़ी हो जाए तो उसके बच्चों का उस पर कंट्रोल हो। मनुस्मृति कहती है कि एक महिला, एक स्वतंत्र महिला, आज़ाद महिला जो है वो एक खुले सांड की तरह होती है, और जैसे एक खुला सांड ऐसे कहीं पर भी खेत में घुस जाता है, वैसे ही एक महिला अगर उस पर किसी पुरुष का कंट्रोल नहीं है तो आवारा हो जाती है। इस तरह की बातें जो धर्म ग्रंथों में लिखी हैं वो कहीं ना कहीं इस ज़हनियत को बयां करती हैं। भारतीय मन चाहता है कि स्मृति जो है वो विधवा के रूप में सफ़ेद साड़ी में लिपटी रहे या अंशुमन के छोटे भाई से शादी कर ले, लेकिन ऐसे लोगों को ये गवारा नहीं है कि एक जवान महिला खुद अपनी ज़िंदगी के फैसले ले रही है। इसलिए ज़रा रुकिए और सोचिए कि क्या अंशुमन की पत्नी स्मृति ने वाकई में कुछ गलत किया है या नहीं। अपनी सोच को थोड़ा आज़ाद कीजिए, जेंडर के नज़रिए से इस सवाल का जवाब तलाश कीजिए, मुमकिन है आपको आपका जवाब मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही साथियों। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप शहीद अंशुमन की पत्नी स्मृति और उनके माँ बाप के बारे में क्या सोचते हैं? इस पूरी घटना पर आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम दोस्तों। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है YESB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।